हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये वीडियो है शटर डे का और ये दोपहर की वीडियो है। अब होली की थोड़ी बहुत मैंने कुछ बनाई थी तो मैंने शूट कर दी थी। और मेरी जो होली की शॉपिंग वाली वीडियो है वो कल आ जाएगा, क्योंकि मैंने सोची ये पहले डाल दूँ, कहीं कुछ तो पसंद आएगा तो आप लोगों को तो थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, तो इसीलिए मैं ये वीडियो आज डाल दी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुछ स्नैक्स जो होली में बनाया जाता है स्पेशली। मैं यहाँ पे बना रही हूँ ड्राई फिलिंग वाली जो मिनी समोसे होते हैं जो होली में बनाई जाती है, वो बना रही हूँ। और मैंने ले ली थी मैदा, उसमें डाल दी थी जैसे आपने देखे होंगे नमक और थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी। और फिर मैंने ऑयल डाल दी थी मोयन के लिए। और मैंने अभी दिखाई भी, ऑयल का कोई अंदाज़ा नहीं रहता, बस अच्छे से उसको मैदे में मिक्स करिए और उसके बाद ऐसी मुट्ठी बांध के देखिए। जब मुट्ठी बन जा रही होगी पूरा मैदे का, तो आप समझ लीजिए कि परफेक्ट मोयन लगी है। और ये मैदे के बहुत सारे चीज़ों में काम आ जाती है, यही वाली ट्रिक्स। उसके बाद मैंने पानी डाल के थोड़ा थोड़ा सा उसको एक अच्छा टाइट सा डो बना दी थी। ये देखिए मेरी डो बन चुकी थी। अच्छे से उसको थोड़ा सा टाइट बनाइएगा, उसको रेस्टिंग टाइम देंगे तो वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा तेल ऊपर लगा के उसको रेस्ट करने रख दी थी। और ना मैदे की हर चीज़ को ना थोड़ा सा रेस्ट चाहिए रहता, जब आप उतना रेस्टिंग टाइम देंगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पे स्टफिंग के लिए बना रही हूँ। अभी मैंने डाली थी आलू भुजिया, आपके पास जो भी मिक्सचर होगा आप डाल दीजिएगा, बहुत टेस्टी लग। उसके बाद मैंने डाल दी थी थोड़ा सा सफ़ेद तिल और एक चम्मच मैंने डाल दी थी सौंफ, और अभी आप देखे होंगे। उसके बाद मैंने डाल दी थी धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अभी डाल देंगे थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे हम इसको अच्छे से दरदरा ही पीसेंगे, पूरा फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा अच्छे से पीस लेंगे। और ये बहुत बढ़िया स्टफिंग बन के तैयार होती है। और ये समोसा आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये समोसा कभी भी बना के डब्बे में रख लेंगे तो बहुत दिन चलेगा। और इसमें मैं अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा टच देने के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू किशमिश छोटा छोटा काट के, और थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा टेंगीनेस आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट देगा। उसके बाद मैं ना पूरा लेके सामान आ गई थी हॉल रूम में, क्योंकि किचन में इतनी गर्मी लग रही थी। मैं तो बनाते बनाते 3 बजे शुरू करी तो मेरा 6 बज गया था, और इसीलिए मैं ला ली थी इधर। और आटे को अच्छे से गूंथ के फिर उसका छोटी छोटी लोइयां बना ली थी। और यहाँ पे ऋषभ मेरा बहुत मदद करा था समोसे बनाने में। उसको सीखने का थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो मतलब बोल रहा था मेरे को सिखा दो, तो वही वो कर रहा है जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, और आप देखते रहिए वो कैसे कर रहा है। मैं तो फटाफट कर ले रही हूँ, बाकी बेचारे को नहीं आ रहा तो मैं उसको सिखा रही हूँ। और बच्चों को इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व करना भी अच्छा रहता है, उनका क्या मन लगा रहता है थोड़ा सा, और वो ज़्यादा बोर भी नहीं होते और हमारा काम भी हो जाती है उसमें थोड़ा बहुत। तो वही मैं बेल के उसको बीच में से काट ले रही हूँ, फिर पानी लगा के उसको फोल्ड कर दे रही हूँ जैसे समोसा फोल्ड करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में समोसा कैसे बनाते हैं उसमें मैंने बताई थी कैसे फोल्ड किया जाता है, आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छा समोसा बना था क्विक वाली। तो वैसी मैंने सारे समोसों को फोल्ड करके फिर अभी रख दे रही हूँ, जैसे सब बन जाएंगे फिर मैं उसको तलूंगी। और समोसा कैसे तलते हैं, कितना उसका हीट रहता है, सब चीज़ मैं उसमें मेरी पिछली वीडियो में सब चीज़ बताई हूँ, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा जाके अगर आप नहीं देखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बना के तैयार कर रही हूँ, और ऋषभ का भी देख लीजिए वो कैसे बना रहा है। उसको अच्छे से फोल्ड करना तो आ रहा नहीं है, बट आप देखिएगा प्रॉपर तरीके से उसने पूरा मतलब फील करा था कि उसका कुछ भी स्टफिंग ना बाहर नहीं निकला था। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दी थी,
और बिल्कुल तेल को बिल्कुल गरम नहीं करेंगे, बस जो थोड़ा सा 2 सेकेंड बस गरम करेंगे, उसके बाद समोसा डाल देंगे। तो आपका समोसा क्या, वो जो पपड़ी थोड़ा थोड़ा सा मतलब उसमें बबल्स आ जाती है ना, वो चीज़ नहीं होगा, पूरा क्लीन रहेगा आपका जो पपड़ी। तो इसीलिए हाई फ्लेम में ना रख के एकदम लो फ्लेम में ही इसको करेंगे। और जैसे ही समोसा थोड़ा सा पक जाएगा, मतलब समोसा का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में उसको रख देंगे। और उधर समोसा बन रहे थे मेरे, तो मैंने अभी किचन में ही मैं अभी बना रही हूँ, खड़े खड़े उधर समोसे भी देख रही हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मठरियाँ। घर पे हम 3 जनी हैं, तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ बनाई नहीं हूँ, स्वीट डिश तो कुछ भी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि वो तो बेकार ही हो जाती है, फिर एक दो खाते हैं उसके बाद बच ही जाता है, तो खाने वाले कोई नहीं है। हाँ, ये स्नैक्स रहेगा, तो अभी छुट्टियाँ भी चल रही है तो बच्चों का हो जाएगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा यही स्नैक्स ही बनाई थी। तो अभी मैं मटरियाँ बना रही हूँ, और मैंने बनाई थी फिर पापड़ियाँ, तो ये 3 चीज़ ही मैंने बनाई थी। और फिर कल मैं बना दूँगी, अगर होगा तो वड़े बना के रख दूँगी, तो वो दही बड़े बना के खा लेंगे उसको। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर आया है समोसे का, और समोसे को बनाने में बहुत टाइम लगती है, इसको ना फ्राई होने में करीबन 15 मिनट लग गए थे, और वो ये बहुत पेशेंस वाली काम रहती है, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो समोसा नहीं बना सकते, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि समोसे को बहुत टाइम लगती है पकने में, और तभी वो क्रिस्प बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी। वैसे समोसा ही नहीं, मैदे का कोई भी चीज़ आप बनाइए, उसको जितना टाइम देंगे ना, तो वो उतना ही अच्छा क्रिस्प बन के तैयार होती है। और समोसा ही सिखाती है हमको कि सब्र कैसे करा जाता है। तो जब भी मैं समोसे कुछ बनाती हूँ, तो मेरे को ऐसा ही लगता है कि हाँ, समोसे से सीखना चाहिए कि सब्र किसको बोलते हैं। तो ये देखिए मेरी पापड़ी भी तैयार हो गई थी, और मैं बोल रही थी ना, हाई फ्लेम में अगर मैदे का कोई भी चीज़ बनाए तो उसके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, तो मेरी पापड़ी में वही हुई थी, क्योंकि उसको मैं समोसे के बाद तली थी। तो ये देखिए मेरी इतनी सारी चीज़ें बन के तैयार हो गई थी, वो रहे मटरियाँ, और ये है मेरी पापड़ियाँ। और मैंने ये मिनी समोसे को, ये ग्लास कंटेनर है मेरे पास, तो उसमें डाल के रख दी थी, और थोड़े से इसमें बच गए थे, तो इसको ना मैं एक पन्नी में निकाल दूंगी, अभी खाने के लिए खा लेंगे, और वो बचेगा होली के लिए, रहेगा थोड़ा बहुत। और जब शाम को हस्बैंड आके खाए थे, तो बोले थे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सा बना दी है, तो ये बहुत टेस्टी बना था, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और सबको खिलाइएगा, बहुत यम्मी लगती है। और मटरियाँ और पापड़ियाँ तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं, और ये सब घर में बनता भी है। तो ये मिनी समोसे थोड़ी सी मतलब लगती है टाइम, बाकी खाते टाइम बहुत टेस्टी लगती है, तो ज़रूर से बनाइएगा। और यही था मेरी होली की प्रिपरेशन, और आप सब कैसे मना रहे हो होली, ज़रूर से बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए